नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसी के अंतर्गत आज हम इसकी थर्ड वीडियो में अध्ययन करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट एंड टर्म सिंबल। किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रा बनाने के लिए हमें उसकी टर्म सिंबल्स के बारे में नॉलेज होना आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम टर्म सिंबल क्या होते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सी हम यूज में लेते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर करेंगे। हम जानते हैं कि परमाणु और आयन का हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं उसमें हम उसकी निम्नतम अवस्था में बताने के लिए निम्नतम ऊर्जा के उपलब्ध कक्ष में इलेक्ट्रॉन बता दिए जाते हैं। जैसे कि कार्बन की निम्नतम अवस्था हम 1s2, 2s2, 2p लिखते हैं। इसी तरह से मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जो ट्रांजिशन मेटल होता है, जैसे वैनेडियम थर्ड के लिए 3d2, मैंगनीज 2 प्लस के लिए 3d5 विन्यास उसकी निम्नतम अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बताने के लिए जिस प्रकार कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक अपूर्ण इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन है। जनरली कोई एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी परमाणु या आयन की एक ऊर्जा अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत से ऊर्जा स्तर संबद्ध होते हैं। इनमें से प्रत्येक को हम एक टर्म या स्टेट के नाम से जानते हैं और इस प्रकार एक विन्यास में बहुत से पद होते हैं और विभिन्न विन्यासों चाहे उनमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या समान हो के लिए पदों के समूह भी भिन्न भिन्न होते हैं। ऊर्जा स्तरों के लिए यह जटिलता इलेक्ट्रॉन की चक्रण और कक्षीय गति के कारण होती है। चक्रण मीन्स एंगुलर और कक्षीय मीन्स स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन के कारण होती है। तो हम बता सकते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स द टर्म सिंबल इज द एनर्जी लेवल ऑफ ए सिंगल और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। टर्म सिंबल जो है वो किसी सिंगल या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात वह उसका एनर्जी लेवल बताता है। टर्म सिंबल के द्वारा हम उसका एनर्जी लेवल बता सकते हैं which is deduced from total angular momentum, जिसको हम total angular momentum के द्वारा decide करते हैं और इसे हम J के द्वारा represent करते हैं। total angular momentum दो term के combination से मिलता है, एक है orbital angular momentum जिसे हम L के द्वारा represent करते हैं, दूसरा है spin angular momentum से हम S के द्वारा लिखते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अर्थात कक्षीय कोणीय संवेग और स्पिन एंगुलर मोमेंटम अर्थात चक्रण कोणीय संवेग। एटॉमिक टर्म सिंबल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एलएस कपलिंग या रसेल सरेंडर कपलिंग और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इज प्रिडिक्टेड बाय हुंस रूल। तो इस आज के इस पीरियड के अंतर्गत हम इन सभी टर्म्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एल टर्म। हमने बताया था जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वह दो स्टेप दो पदों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एल टर्म, इसे हम एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज गिवन बाय ए वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा, जो उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटा हम एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटा का जो वेक्टर सम होता है उसको हम टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा कहते हैं और उसे हम कैपिटल एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर समेशन ऑफ द एल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन इज नोन एज टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर फॉर द कॉन्फिगरेशन, अर्थात
जो एल वैल्यूज हैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के लिए एल वैल्यू है, एंगुलर मोमेंटम है, उसका वेक्टर सम जो होता है उसको ही हम टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के नाम से जानते हैं, और डिफरेंट सिंबल्स फॉर द डिफरेंट एल वैल्यूज कैन बी रिटन इन। जब हम किसी भी कॉन्फिग्रेशन के लिए एल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो उस एल वैल्यू के आधार पर हम उसको सिंबल्स देते हैं। यदि एल वैल्यू का मान 0 है तो दैट मीन उसको सिंबल हम एस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, एल वैल्यू 1 है तो पी, 2 है तो डी के द्वारा, 3 है तो एफ, 4 है तो जी, 5 है तो एच, 6 है तो आई एंड 7 है तो जे के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी कि एल वैल्यू होने पर उसके लिए सिंबल हम क्या लिखते हैं। सेकेंड है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एस्टम, अर्थात चक्रण कोणीय संवेग जिसे हम कहते हैं, उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या होता है, वेक्टर समेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी कॉन्फिगरेशन इज नोन एज टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, अर्थात जितने भी उस कॉन्फिगरेशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका वेक्टर सम उसका टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होगा, और इसे हम एन की एस के द्वारा कैपिटल एस के द्वारा लिखते हैं, और कैपिटल एस इक्वल टू होता है एन बाई टू। एन की एन यहाँ पे क्या है, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अर्थात उसकी कॉन्फिग्रेशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके आधार पे हम उसकी टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम याद कर सकते हैं। जब हमने टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ज्ञात कर लिया है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ज्ञात कर लिया है, तो हम थर्ड स्टेप होता है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करना, या इसको हम कह सकते हैं रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम जिसे हम जे के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम किसी भी कॉन्फिग्रेशन के लिए एल टर्म कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद में उसका हम एस टर्म कैलकुलेट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद में हम उसके लिए जे टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। जे मीन्स टोटल एंगुलर मोमेंटम और वी कैन से रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ये अभी तक हमने जो दो मोमेंटम पढ़े, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उनकी कपलिंग के परिणाम स्वरूप बनता है। ये कपलिंग दो तरह से हो सकती है, फर्स्ट है जी जे कपलिंग, सेकेंड है एल एस और रसेल सॉन्डर कपलिंग। जी जे कपलिंग के बारे में हम शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, बाकी आपके सिलेबस में जो यहाँ पे है रसेल सॉन्डर कपलिंग है। जी जे कपलिंग में क्या होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कक्षीय और चक्रण कोणीय संवेगों का युग्मन कर पृथक पृथक इलेक्ट्रॉन के लिए परिणामी कोणीय संवेग निकाल दिया जाता है, जो एक नई क्वांटम संख्या जे से संबद्ध होता है। अर्थात प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए हम एल कैलकुलेट कर लेंगे, एस कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद में परिणामी कोणीय संवेग निकालेंगे और उसको एक नई क्वांटम संख्या जे के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। एक परमाणु या आयन की सभी इलेक्ट्रॉन तीन पृथक पृथक परिणामी कोणीय संवेग के युग्मन से, अब उस परमाणु या आयन का सकल परिणामी कोणीय संवेग निकाल लिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए नई क्वांटम संख्या जे निकाली जाती है जिनका बाद में युग्मन करते हैं, तो इस पद्धति को हम जे जे युग्मन कहते हैं। यह पद्धति मेनली एक्टिनाइड्स और 5d और 4d तत्वों की परिणामी कोणीय संवेग की कैलकुलेशंस के लिए काम में लिए जाते हैं। सेकेंड जो कपलिंग का मेथड है, जिसे हम आर एस कपलिंग या एल एस कपलिंग के द्वारा जानते हैं, इसमें क्या होता है, यह विधि हल्के तत्व उदाहरण के लिए प्रथम संक्रमण श्रृंखला के सदस्यों के लिए उपयुक्त पाई जाती है। इस विधि में सभी इलेक्ट्रॉन के चक्रण कोणीय संवेगों के युग्मन कर परमाणु के लिए परिणामी चक्रण कोणीय संवेग याद कर लिया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की कक्षीय कोणीय संवेग के युग्मन से परिणामी कक्षीय कोणीय संवेग प्राप्त कर लेते हैं।
परिणामी चक्रण संवेग का क्वांटम संख्या s और परिणामी कक्षीय संवेग की क्वांटम संख्या l द्वारा निर्धारित किया जाता है और इन दोनों परिणामी कोणीय संवेगों के युग्मन से परमाणु या आयन का कोणीय संवेग निकालते हैं। डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश कीजिए। द्विजीय युग्मन में हमने क्या किया था, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय और चक्रण कोणीय संवेगों का युग्मन किया था, अर्थात हर इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम चक्रण कोणीय संवेग और कक्षीय कोणीय संवेग का इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए युग्मन करते हैं, जे की वैल्यू हर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, देन उसकी कपलिंग करते हैं, तो उसको हम जीजी कपलिंग कहते हैं। आरएस कपलिंग में क्या हो रहा है, पहले हमने सभी इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला, फिर हमने उसके लिए टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाला, अर्थात हमने एल और कैपिटल एल और कैपिटल एस कैलकुलेट कर लिया, देन उसका वेक्टर समेशन किया, तो उसको हम एल एस कपलिंग कहते हैं। तो वेक्टर समेशन ऑफ एल एंड एस टर्म फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज नोन एज टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर और जी टर्म विच अराइजेज ड्यू टू एल एस कपलिंग द वैल्यू ऑफ जे आर। जे की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, एल माइनस एस, एल माइनस एस माइनस वन, एल माइनस एस माइनस टू, अप टू एल प्लस एस तक हम इसको निकालते हैं। तो इसको सिंपली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यदि लेस देन हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन होता है तो हम जे की वैल्यू लिखते हैं एल माइनस एस, और यदि मोर देन हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन होता है तो हम जे की वैल्यू लिखते हैं एल प्लस एस। तो इस तरह से हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एल और एस की वैल्यू हमने पहले ही निकाली। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आपको जी जी कपलिंग और एल एस कपलिंग में समझ आ जाना चाहिए। जी जी कपलिंग में क्या होता है कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग का युग्मन करके उसकी वैल्यू जे निकालते हैं। हर इलेक्ट्रॉन के लिए जे की वैल्यू निकाली, स्मॉल जे जिसे हम कहते हैं परिणामी कोणीय संवेग, उसको सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जे का वेक्टर समेशन जब हम करते हैं तो उसे हम जी जी कपलिंग कहते हैं। एल एस कपलिंग में हमने क्या करा, पहले सभी जो विन्यास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का वेक्टर समेशन करके एल वैल्यू निकाली, देन हम उसका चक्रण कोणीय संवेग का समेशन वेक्टर समेशन करके एस वैल्यू निकालते हैं, और फिर एल और एस से हम जी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं एल एस कपलिंग। या रसेल और सॉन्डर नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, तो इसे रसेल सॉन्डर कपलिंग या आर एस कपलिंग भी कहते हैं। तो आर एस कपलिंग आपके सिलेबस में है, इसे आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब है स्पिन मल्टीप्लिसिटी और आयन टर्म। किसी भी टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इको टर्म के बारे में जानना पड़ेगा। व्हाट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन, अर्थात किसी भी कॉन्फिगरेशन में पहली बात तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल स्पिन ओरिएंटेशन कितनी होती है हो सकती है, उसको हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। इसे हम कैपिटल एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल एम की वैल्यू होती है एन प्लस वन, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसे हम दूसरी तरह से टू एस प्लस वन से भी लिख सकते हैं, एस इज द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अबव फोर डिफरेंट टर्म्स, जो हमने चार डिफरेंट टर्म्स पढ़ी उसके आधार पर हम किसी भी विन्यास के लिए टर्म सिंबल लिख सकते हैं, और टर्म सिंबल लिखने का फॉर्मूला है L, L की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो हमने पीछे देखा था उसको, और उसके सुपरस्क्रिप्ट में हमने लिखा M स्पिन मल्टीप्लिसिटी और सबस्क्रिप्ट में लिखा है G अर्थात एल एस कपलिंग से जो वैल्यू हमें मिलती है, तो ये फॉर्मूले से हम उसका टर्म सिंबल निकाल सकते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए टर्म सिंबल निकालने के लिए, और ये डिफरेंट टर्म्स क्या है, दिस इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, दिस इज टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज एल एस कपलिंग के परिणाम स्वरूप जो वैल्यू मिलती है जी उसके द्वारा मिलते हैं। हमने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए टर्म सिंबल कैसे लिखा जाता है ये
यह कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लेते हैं तो उसका टर्म सिंबल कैसे डिसाइड करेंगे। यदि D4 कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो इसमें पॉसिबल जो कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होगा। डी में टोटल 5 ऑर्बिट्स होते हैं और उनकी स्मॉल एल वैल्यू हर ऑर्बिट की इस तरह से होती है, +2 से लेके -2 तक। तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अकॉर्डिंग टू जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो पहले सभी ऑर्बिट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और इनकी कैपिटल एम टोटल ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम यदि हम एल की वैल्यू निकालते हैं तो वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल एल स्मॉल एल जो होता है वो कैपिटल एल वैल्यू होगी। तो इनका यदि हम वेक्टर सम करते हैं तो उसकी वैल्यू 2 आती है, +2 +1 0 +0 एंड +-1। इन सब का वेक्टर सम करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 2, और जब एल की वैल्यू 2 आती है तो उसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं डी। जो हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं कि एल की हर वैल्यू के लिए उसका एक सिंबल डिफरेंट सिंबल होता है, तो 2 जब एल की वैल्यू 2 आती है तो उसके लिए सिंबल हम डी यूज करते हैं। और एस की वैल्यू हम निकालते हैं n/2 के द्वारा। n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4 हियर, सो द वैल्यू ऑफ एस विल बी 2। देन आता है j की वैल्यू कैलकुलेट करना। j यदि हमने बताया लेस देन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो तो j की वैल्यू l-s होगी, एंड यदि मोर देन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसमें j की वैल्यू l+s होगी। तो यहां पे j की वैल्यू होगी l-s इक्वल टू 2-2 = 0। फोर्थ टर्म हमारी आती है m। m स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम कैलकुलेट करते हैं n+1 के द्वारा। n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसकी m वैल्यू होगी 5। तो टर्म सिंबल का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से लिखते हैं, बेस वैल्यू l होती है, उसके सुपरस्क्रिप्ट में m होता है, सबस्क्रिप्ट में g होता है। जब इन डिफरेंट वैल्यूज को हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास टर्म सिंबल आएगा 5d0। तो इस तरह से हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसका टर्म सिंबल कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर वेरियस कॉन्फ़िगरेशन लाइक bn, pn, sn सभी के लिए हम उसका टर्म सिंबल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। देन आता है कि हम टर्म सिंबल याद कर सकते हैं और किसी भी एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें कई सारी स्टेट्स होती हैं, सभी के हम टर्म सिंबल कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ज्ञात करने के लिए हमें हुम्स रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो हियर वी विल स्टडी अबाउट द हुम्स रूल फॉर ग्राउंड स्टेट टर्म। ग्राउंड स्टेट टर्म अर्थात निम्नतम ऊर्जा अवस्था में उसका टर्म सिंबल क्या होगा, वह उसका ग्राउंड स्टेट टर्म होता है। द कैलकुलेशन ऑफ टर्म सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम is relatively easy to using Hund's rule. Ground state term symbol correspond to a state with maximum S and L values. अर्थात जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है किसी भी एटम के लिए वो उसकी मैक्सिमम एस और मैक्सिमम एल वैल्यूज के साथ होती है हमेशा। ये हुम्स ने बताया था कि द कैलकुलेशन फॉर टर्म सिंबल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इज रिलेटिवली इजी टू यूजिंग हुम्स रूल एंड ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल करस्पॉन्ड टू ए स्टेट विद मैक्सिमम एस एंड एल वैल्यू। ईच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट फुली फिल्ड हैज लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स। हम देख सकते हैं कि कोई भी एटम जो होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पाए जा सकते हैं, केवल यदि हम फुली फिल्ड को छोड़ दें। तो फुली फिल्ड अगर कोई का कॉन्फ़िगरेशन है कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है तो उसमें एक ही ओरिएंटेशन होगा, बाकी कोई अरेंजमेंट नहीं होंगे। लेकिन यदि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है तो उसमें बहुत सारे अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं और उनको हम माइक्रोस्टेट्स के नाम से जानते हैं और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। इस फॉर्मूले में वह जो यहाँ पे n है, n इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द ऑर्बिटल ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। अर्थात किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द ऑर्बिटल उसको हम n के द्वारा लिखते हैं, एंड r इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉन्फ़िगरेशन। अर्थात उसमें उस कॉन्फ़िगरेशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इनकी सहायता से हम नंबर ऑफ माइक्रोस्ट्रिप्स कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थात उसमें कितने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पॉसिबल है वो हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं।
Out of various possible electronic arrangement, one of the arrangement that is ground state electronic arrangement can be calculated with the help of different tool proposed by the Hund. जो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हमने बताया कि इसमें पॉसिबल है, इनमें से ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कौन सा है उसको हम डिसाइड करते हैं होम्स रूल की तरह। इसके लिए हम तीन डिफरेंट रूल्स दिए थे जिसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। रूल वन, अकॉर्डिंग टू होम्स रूल, आउट ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट द अरेंजमेंट हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल बी द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अर्थात जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पॉसिबल है किसी भी एटम के लिए या आयन के लिए, उसमें से वे वही ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी। अर्थात डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हमने निकाल लिए, सबका हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं और जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है वही उसका ग्राउंड स्टेट होता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी डायरेक्टली रिलेटेड विथ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वी कैन से कि जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है वही उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा। सेकेंड कंडीशन आती है, इफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हैव द सेम वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू सेम है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, then the electronic arrangement with higher L values will be the ground state electronic arrangement. Spin multiplicity को हम लिखते हैं capital M के द्वारा। अगर capital M की value same है एक से ज्यादा arrangements में तो उनमें से ground state term कौन सी होगी उसको हम decide करेंगे उसकी L value के द्वारा, जिसकी capital L की value ज्यादा होगी। capital L means total orbit angular momentum, कक्षीय कोणीय संवेग की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कहलाएगा। अमंग वेरियस द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, जब एक से ज्यादा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होते हैं, यदि एल की वैल्यू भी यदि सेम आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे विद डिफरेंट जे वैल्यूज, देन हम उसकी जे वैल्यू को देखेंगे। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड से कम है तो उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म विल बी विद लिस्ट जी वैल्यू, तो उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म जो होगी वो लिस्ट जी वैल्यू के साथ होगी। और यदि उसमें कॉन्फ़िगरेशन मोर देन हाफ फील्ड है तो ग्राउंड स्टेट टर्म विल बी द टर्म विद मैक्सिमम जी वैल्यू, तो मैक्सिमम जी वैल्यू के साथ में उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हुंस के ये तीन नियम के द्वारा हम उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को डिसाइड करेंगे कि जो बहुत सारी टर्म सिंबल्स हैं उनमें से ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सी है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाते हैं तो हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल का ही यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हम उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखेंगे, जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है वह ग्राउंड स्टेट टर्म है। यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो हम उसकी कैपिटल एल वैल्यू देखेंगे, जिसे हम टोटल ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। यदि जिसकी हायर एल वैल्यूज होगी वो ग्राउंड स्टेट टर्म कहलाएगा, यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम है एल वैल्यूज भी सेम है तो फिर हम उसकी जे वैल्यूज पे आ जाते हैं। यदि वो लेस देन हाफ फील्ड है तो लिस्ट जे वैल्यू को हम ग्राउंड स्टेट देंगे, और यदि वो मोर देन हाफ फील्ड है तो उसको मैक्सिमम जे वैल्यू को उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म देंगे। इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल के द्वारा, इवैल्यूएशन ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन। यदि कॉन्फ़िगरेशन हम लेते हैं तो इसमें ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज हो सकते हैं। तो इन पॉसिबिलिटीज में हम देखते हैं कि कुछ में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में पेयर्ड है, कुछ में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिक्स्थ, फोर्थ एंड फर्स्ट, इनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। पेयर्ड है मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर जीरो है, तो ये तो ग्राउंड स्टेट टर्म में कंसीडर नहीं की जाएंगी। अब बचती है कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2, 3 एंड 5। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो इन तीनों में आप देख सकते हो, सेकंड में एम की वैल्यू 3 है, थर्ड में 3 है एंड फोर्थ में 3 है, बाकी सब में एम की वैल्यू 1 है।
दैट मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम इन तीन काउंट, इन्हीं तीन में से एक ग्राउंड स्टेट टर्म को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब एक से ज्यादा की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होती है तो हम उसकी एल वैल्यूज को चेक करते हैं। सेकेंड में यदि हम देखते हैं एल वैल्यूज, एल वैल्यू क्या होता है, वेक्टर समेशन ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उनको सभी का वेक्टर सम, उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, टोटल ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर टोटल ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम हो गया 3। थर्ड पोजिशन पे हम जाते हैं तो यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया 1। एंड फिफ्थ में यदि हम जाते हैं तो यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया 2। तो मैक्सिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे है, सेकेंड में। तो यह इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, या इससे जो टर्म होगी वो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। अगर हम इसकी टर्म डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले एल वैल्यू 3 है, तो एल वैल्यू 3 होती है तो उसका सिंबल होता है एफ। यदि हम इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो वह आता है 1। जे की वैल्यू 2, 3, 4, 3 है, लेकिन यदि हमने बताया था कि लेस देन हाफ फील्ड हो तो जे को हम डिसाइड करते हैं एल माइनस एस से, तो एल माइनस एस है 2 एंड एम की वैल्यू है 3। तो अकॉर्डिंग टू द होम्स रूल सेकेंड अरेंजमेंट विल बी द एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फॉर डी टू कॉन्फिग्रेशन। दस द टर्म सिंबल फॉर डी टू कॉन्फिग्रेशन विल बी, इस फॉर्मूले से यदि हम देखते हैं इसकी टर्म सिंबल, तो 3F2 इसकी टर्म सिंबल यहाँ पर होगी। इस तरह से हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, डी कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D9 तक, जिनके लिए हम ग्राउंड टर्म कैलकुलेट, आपको हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसकी ग्राउंड टर्म कैलकुलेट करनी है। फिर आप इस चार्ट से उनको वेरीफाई कर करके देखना, ताकि यदि आप खुद से प्रैक्टिस करके इसको निकालोगे ग्राउंड टर्म को, तो आपको आगे एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड टर्म निकालना आना चाहिए। तो ये सभी के लिए ग्राउंड टर्म निकाली गई, यहाँ पे जो ग्राउंड टर्म निकाली गई है इसमें ये तो सिंबल है, ये इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, लेकिन यहाँ पर इसकी जे वैल्यू जो हमने सबस्क्रिप्ट में रखी थी वो यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो कुछ बुक्स में इस तरह से भी टर्म सिंबल निकालते हैं, और कुछ में नीचे सबस्क्रिप्ट में जे वैल्यूज को भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप हर डी कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1 से लेकर 9 तक अपने प्रैक्टिस में उनका ग्राउंड टर्म निकालेंगे, और इस टेबल से आप उसको वेरीफाई करेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आप टर्म सिंबल और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के स्पेक्ट्रास बनाने के लिए, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, या इसके चैट बॉक्स में आप इसके क्वेरीज को डाल सकते हैं। थैंक यू।